उसने पुजारी को थप्पर मारा डॉक्टर साहब मारो इसको

बुक करिए सबको लॉकअप में लेके जाइए लॉकअप में लेके जाइए लॉकअप में लेके जाइए परमिशन इज फॉर मैरिज नॉट फॉर मैरिज बियॉन्ड टेन पी एम ओके यू पीपल आर एजुकेटेड पूरे दिन भर प्रचार हो रहा है यहाँ पेट वॉयलेटिंग नाइट कर्फ्यू कर्फ्यू नाइट इज कर्फ्यूट कर्फ्यूस टाइम इज यू डू एट यूर होम इन साइड योर रूम नॉट इन अ मैरिज हॉल

अरे 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 सर सर को लोग इधर काउंट करके बोलो तो कल मैं सस्पेंड करा रहा हूँ तुम लोग जो काम कर रहे हो ना अभी काउंट करके बोलो कितने हैं चलो तुम भी जाओ उसके साथ नहीं मैं सर वो आ रहा है तुम जो भी हो काउंट करके बोलो आई एम ब्लडी योर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ओके यस यू आर द ब्लडी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तुम लोग साले ब्लडी काउंट एंड टेल मी दिस माय कमांड है विद दिस इज अब हमको सिखा देते हैं पुलिस ड्यूटी कैसे की जाती है सही बात है वो आईएएस है वो धरती पर क्या मतलब ब्रह्मांड पे कुछ भी चीज होते हो सब सिखा सकता है वो जर्नलिस्ट को जर्नलिज्म सिखा सकता है वो मूर्तिकार को मूर्तिकला सिखा सकता है वो जो है चित्रकार को पेंटिंग सिखा सकता है क्या आप ये कल्पना कर सकते हैं कि एक निकाह चल रहा हो और ये शैलेश जी हैं शैलेश कुमार यादव डॉक्टर भी इनके नाम के आगे लगा हुआ है ये वहां जाएं और मौलवी को एक थप्पड़ मार दें और चूंकि हम हिंदू हैं इसलिए हमें इस तरह से ह्यूमिलिएट किया जाएगा। ये अफसर अगर आठ मिनट तक मैं हम फैलाता रहा ना इसको आठ मिनट तक आई एम सॉरी आई एम सॉरी आई एम सॉरी बोलते रहना चाहिए इसकी जॉब हटाइए इसको सस्पेंड कीजिए और इससे कम्युनिटी सर्विस करवाया जाए इन्हीं शादियों में से प्लेट व्लेट धुलवाइए ताकि इसको पता चले कि ह्यूमिलिएशन होता क्या है। डीएम हो अथॉरिटी होती है डीएम का प्रेजेंस जो है ना इट शुड प्रोसीड यू यू डोंट हैव टू बी बूरिश अबाउट इट इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आप सबसे विनती है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बिल जो है दबा दीजिए नमस्कार दोस्तों मैं जीत और आप देख रहे हैं डू पॉलिटिक्स अभी आपने वीडियो में देखा कि कैसे एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिसे अलग अलग इलाकों में कलेक्टर और इस तरह की के भी संबोधनों से पुकारा जाता है उसने किस तरह से एक मैरिज पार्टी यानी विवाह हो रहा था और वहाँ पे वो जाता है और तरह तरह की गालियाँ ब्लडी अनएकेटेड पर्सन और ब्लडी एस मैं तुम्हें बताता हूँ पुलिसिंग कैसे की जाती है डोंट टॉक लाइक अ ब्लडी विलेजर एन अनएजुकेटेड पर्सन और इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया और वो वहीं पे नहीं रुका उसने पुजारी को थप्पड़ मारा उसने दूल्हे को गर्दन से पकड़कर ढकेल दिया वहाँ पे ढेर सारी महिलाएं भी थी जो शादी का हिस्सा थी और ढेर सारी से मतलब बस इतना है कि 25 से 30 घर वाले वहाँ पे मौजूद थे ये काम क्या नॉर्मली एक डीएम जो है पुलिस के साथ वहाँ पे उतरता है लाठी बजाते हुए ज़मीन पे या कुर्सी पे मारते हुए आपको क्या है आप आप जब क्राउड को कंट्रोल करने जाते हैं या इस तरह के मौकों पर जाते हैं तो आप क्या करते हैं एक तरीका होता है कि आप लाठियाँ बजाते हुए या ज़ोर जोर से बोलते हो कि हाँ हाँ खाली करो खाली करो इस तरह से या आप एक कलेक्टर हैं तो आप बोलेंगे बड़ी हिम और ऐसी ऐसी भद्दी गालियाँ अंग्रेज़ी की वहाँ पे दी जा रही थी और एक आ, अपने आप में एक सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जो होता है इन आई ऑफिसर्स का मतलब ऑलमोस्ट अधिकतर का होता है लेकिन पाँच प्रतिशत जो अच्छे हैं उनका नाम भी ये पंचानवे प्रतिशत लोग जो है ख़राब करते रहते हैं आप सोचिए कि उस दूल्हे का उस परिवार का उस दुल्हन का क्या वो जीवन भर के लिए इस ट्रॉमा से बाहर आ पाएगी या उस वो दूल्हा जो एक तरह से अब नेशनल लेवल पे वो दिख रहा है कि उसकी गर्दन पकड़ के ढकेल दिया गया शादी के दिन और दूसरा एंगल ये भी है कि ऐसा नहीं है कि वो कुछ इलीगल काम कर रहे थे इसी डीएम के ऑफिस ने लड़की के भाई ने एक फेसबुक पोस्ट लिखा है और उस पर उसने बाकायदा तस्वीरें लगाई हैं कि ये देखिए हमने 20 तारीख को जो है पहले ही परमिशन लिया था 26 और 27 तक का हमें व्हीकल पास दिया था इसी डीएम के ऑफिस में 25 से 30 लोगों के जमावड़े की बात हुई थी सारा परमिशन था और वहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट घुसता है गाली गलौज करता है थ्रेटन करता है और अपने आप को एक जो वो गॉड मोड में चलते हैं ना तो भैया आई एस हैं हम आई हैं हम इस सृष्टि के रचेता हैं संहारक हैं पालन हारा है क्यों भैया क्योंकि हमने यूपीएससी का एक एग्जाम क्लियर किया है मैं उस पर भी आगे बात करूँगा यह सब कहना एक पुलिस ऑफिसर को जो लोकल वहाँ के थे कि आई एम योर ब्लडी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ये शब्द एक पुलिस वाले का आई एम यू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी बोलोगे तुम यार सर पे चिपका के थोड़े चलना है कि तुम डीएम हो डीएम हो अथॉरिटी होती है डीएम का प्रेजेंस जो है ना इट शुड प्रिसीड यू यू डोंट हैव टू बी बूरिश अबाउट इट चिल्लाना नहीं पड़ता है कि मैं डीएम हूं मैं डीएम हूं मैं डीएम हूं मैं आ गया हूं अब अब जो है उसको मारो उसको पीटो इसको इस धारे में बंद करो और देखिए इस आदमी को ऐसे लग रहा है कि कल ही ये डीएम बना है और आज इसे पता ही नहीं है कि पावर को यूटिलाइज कैसे करें ऐसे संवैधानिक पदों पर जो भारत सरकार द्वारा ये लोग कस्में खाते हैं संविधान की रक्षा की और पब्लिक की रक्षा की और ये पब्लिक सर्वेंट है और ये कैसे बिहेव कर रहे हैं क्राउड कंट्रोल सारे डीएम हो या आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं इनके पाठ्यक्रम का इनकी ट्रेनिंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है और उसी क्राउड कंट्रोल में और यहां कोई ऐसी क्राउड नहीं थी कि जो वायलेंट हो ऐसा कुछ भी नहीं है कि लोग जो है पत्थर मारने लगे या घुसते बोले कि नहीं नहीं हमारी शादी कैसे नहीं होने दोगे ऐसा कुछ नहीं था जब डीएम वहां पे घुसता है और चिल्लाना शुरू करता हाँ इसको मारो ए एम बड़ी ए एम और जो भी आदमी उससे शांत होकर बात करना चाह रहा है कि सर शादी हो रही है हो जाने दीजिए या हमारे पास परमिशन था अपने ही ऑफिस द्वारा कथित तौर पर जारी किया गया परमिशन जो है लेटर उसने फाड़ के उड़ा दिया और एक बात देखिए ये जो आजकल कुछ डीएम जो बनते हैं आई ऑफिसर्स उनकी एक और आदत है वो काला चश्मा लगाए हुए रात रहे या दिन रहे वो घूमते रहते हैं और मीडिया को साथ लेके चलते हैं और वो बताते हैं कि देखो मेरा जलवा देखो और मैं कैसे जो है यहाँ पे ये भ्रष्टाचार हो रहा है उसको ख़त्म कर रहा हूँ वहाँ पे वो हो रहा है उसको ख़त्म कर रहा हूँ ये जो मीडिया में ट्रेंड होने की एक एक मतलब आप कह सकते हैं कि इच्छा होती है ये बड़ी बलवती होती इच्छा होती है ने हमें भी जेम्स बॉन्ड लोग कहे और लोग कह रहे हैं ऐसे भी लोग हैं जो कह रहे हैं हाँ हाँ इस ऑफिसर ने तो एकदम बहुत अच्छा काम किया और जो लोग ऐसा कर रहे हैं उसका टाइमलाइन आप जाके देख लीजिए किस तरह के लोग हैं उनको इस बात से मतलब नहीं है कि ठीक है कोविड प्रोटोकॉल एनफोर्स करने के लिए एक ऑफिसर ने जो भी किया मतलब ठीक है इन्फोर्स किया और जगह को खाली करवा दिया नहीं उनको इससे मतलब है कि एक हिंदू का विवाह हो रहा था और तथाकथित हिंदूवादी पार्टी भाजपा के उसके स्टेट में एक डीएम जो जाता है और पूरा एकदम जलवा दिखाते हुए मारते पीटते हुए कि हाँ हाँ निकालो मारो इसको हटाओ इसको ये कहते हुए कर देता है उनका पर्पस वो है उनका दृष्टिकोण ये है और इसलिए वो ऑफिसर को प्रेज कर रहे हैं लेकिन ये जो ऑफिसर वहां पे और देखिए एक एक हेटरेड कह लीजिए या वही फिर से फेक सेंस ऑफ कि वो जिस पुलिस पार्टी के साथ आया वही लोकल थाने का पुलिस है उसको लगभग हाथ से पुश करते हुए बोलता है मैं तुम्हें सिखाता हूं पुलिसिंग कैसे की जाती है सही बात है वो आई है वो धरती पर क्या मतलब ब्रह्मांड पे कुछ भी चीज़ होते हो सब सिखा सकता है वो जर्नलिस्ट को जर्नलिज़्म सिखा सकता है वो मूर्तिकार को मूर्तिकला सिखा सकता है वो जो है चित्रकार को पेंटिंग सिखा सकता है क्यों भाई क्योंकि अरे यूपीएससी का जो सिलेबस होता है ना उस पर धरती पर से कुछ भी चीज़ पूछ दी जाती है अब तैयार रहना पड़ता है और भैया इतना रटने के बाद कोई आई ऑफिसर बनता है तो जाहिर सी बात है कि वो आईपीएस नहीं है फिर भी वो पुलिसिंग सिखा सकता है आई है तो वो पोस्टल सर्विस के बारे में जानता होगा रेवेन्यू कलेक्शन के बारे में जानता होगा वो पुल कैसे बनता है हो सकता है इंजीनियर को वो पुल बांधना भी सिखा देगा पुलिस को बोल रहा है सस्पेंड करने पूरे थाने को बोल रहा है कि ये हो कैसे गया इस इलाके में भैया तुम्हें परमिशन दी थी लड़की का भाई यही बात बोल रहा है और उसने बाकायदा डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं इनफैक्ट जो होना चाहिए वो ये है कि इस आई ऑफिसर को मतलब ऑफ़िसर कहलाने लायक तो है नहीं है लेकिन फिर भी टेक्निकली है अब क्या कर सकते हैं हमें इस समाज में इस देश में हमें इसी तरह के अफसर मिलते हैं जो कथित तौर पे हमारे जीने का ढंग हमारे रहने का तरीका सब कुछ यही तय करते हैं ब्यूरोक्रेट्स यही आगे जाएंगे ना ये पॉलिसी मेकर्स बनते हैं सरकार को बताते हैं कहाँ क्या होना चाहिए हैं संस्कृत पाली मैथिली या उर्दू पढ़ने वाला वो जो है अचानक से जल विभाग के बारे में बताने लगता है कि हाँ हाँ जल विभाग का प्रबंधन कैसा होना चाहिए इस तरह का घमंड लेके जो घूमते हैं अपने सर पर और जो बोल रहा है ना इस पर इस धारा में एक लगा हुआ आपको समझ में नहीं आ रहा है ये एक हो गया वो तीन हो गया और पूरा एकदम आई और सी जो है लगातार मतलब वो वो खांस भी रहा है तो एक धारा निकल जा रही है उसके मुंह से क्यों भैया क्योंकि याद किया होगा ना इंडियन पॉलिटी सीआरपीसी आईपीसी संविधान तो वो कहाँ पे उसका वमन करेगा और बोल रहा हाँ हाँ तुम पब्लिक सर्वेंट को काम करने में जो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहे हो आर यू रियलाइजिंग द फर्स्ट टू वर्ड्स पब्लिक सर्वेंट तुम पब्लिक किंग नहीं हो ऑल यू आर इज ए बूर इल मैनर्ड हुज नॉट श्योर हाउ टू हैंडल द पावर वेस्टेड बाई इंडियन स्टेट और ऐसे लोग जो दूसरे को बोल रहे हैं कि ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करो तुम बताओ ना कि कौन सा पब्लिक सर्वेंट जो है पब्लिक को गैरकानूनी तरीके से ह्यूमिलिएट करता है है ना भाई हमें तो राइट टू डिसेंट लाइफ भी वही संविधान प्रोवाइड करता है जो शायद तुमने पढ़ा होगा मसूरी वाले ट्रेनिंग सेंटर में मेरा वो राइट टू डिग्निफाइड लाइफ वो कहाँ गया मेरी डिग्निटी मेरे परिवार की डिग्निटी मेरे संबंधियों की डिग्निटी सब जो है तुमने मिट्टी में मिला दी क्यों क्योंकि तुम्हें देखना आई एम द ब्लडी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट यस यू आर द ब्लडी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कौन सा पब्लिक सर्वेंट किस आईपीसी या सीआरपीसी की धारा के अंतर्गत जो है पब्लिक को ह्यूमिलिएट करता है स्कारिंग देम फॉर लाइफ किस पब्लिक सर्वेंट को अलाउड है और किस धारा में अलाउड है कि वो गालियां दे सकता है जब आदमी तुमसे नॉर्मल बात कर रहा है मैं समझ सकता हूं कि तुम राइट कंट्रोल करने में गए वहां पर मां बहन की लोग गालियां देते हैं वो ह्यूमन नेचर है मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि मैं भी अपने जीवन में कोई गाली नहीं देता लेकिन वहां पे तो जब तुम्हें कोई रिटेलिएशन नहीं मिल रहा था किसी ने ना तुम पे हमला किया ना जोर से आवाज उठाई गिड़गिरा रही हैं लड़की की माँ थी या लड़के की माँ थी या चाची होंगी वो गिड़गिरा रही हैं कि भैया हम लोग कर लेंगे माफ कर दीजिए बोला इनको अंदर करो अंदर करो सात बजे के बाद कौन सा कानून कहता है कि आप औरत को अंदर कर सकते हैं आप महिला से ऐसे बात करेंगे कानून की बात कर रहे हो ना कौन सा कानून तुम्हें इजाजत देता है पुजारी को थप्पड़ मारने का कहां पे आपको सिखाया गया है मैन हैंडलिंग करने का इस आई ऑफिसर को सस्पेंड करना चाहिए और प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस को इसमें एक्शन में आना चाहिए क्योंकि इनकी पूरी लॉबी जो है आई एस इन्होंने भ्रष्ट से भ्रष्ट नीच से नीच अफसरों को डिफेंड किया है और इनकी लॉबी इतनी तगड़ी है कि ऑलमोस्ट ये अनसेड वेज में थ्रेटन करते हैं कि ये क्रिपल कर देंगे किसी भी स्टेट के फंक्शनिंग को देश की फंक्शनिंग को ये स्ट्राइक पे चले जाएंगे हमने देखा ऐसा इन्हें करते हुए महाभारत में शायद एक प्रकरण आता है जहाँ पर युधिष्ठिर जो है वो बोलते हैं कि एक ही अपराध के लिए वर्ण व्यवस्था के हिसाब से जो शूद्र है उसको अगर मान लीजिए कि एक साल की सजा मिल रही या एक यूनिट सज़ा मिल रही है उसका दुगुना जो है वैश्य को मिलेगा तीन गुना क्षत्रिय को और ब्राह्मण अगर वही कर रहा है तो उसको चार गुना सज़ा मिलेगी क्यों क्योंकि आप जब एक पावर की पोजीशन में होते हैं और तब आप उसको अब्यूज़ करते हैं आपको तो नॉलेज है ना आईपीसी, सीआरपीसी, संविधान की पॉलिटी की सोसाइटी की सिविक सेंस की आप लोग तो वो क्या बोलते हैं एक एक एलिगेंट वे ऑफ लाइफ जीने वाले लोग हैं ना आप तो रिफाइंड बातें बोलते हैं इसलिए बाकी तो ब्लडी सिविलियंस ब्लडी कॉप्स और ब्लडी दिस ब्लडी दैट ही हो जाएंगे लोग तो वही नीच लोग हैं तो इस व्यक्ति को एग्जाम्पलरी पनिशमेंट मिलना चाहिए और यह एक मिसाल बनना चाहिए और यह केस स्टडी बननी चाहिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बाकी आईएस जो है बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं अगर आईएस लोग बड़ा अच्छा काम करते रहते तो इस देश की स्थिति नहीं होती ब्यूरोक्रेसी ने हमारे देश को कितना हार्म पहुंचा वो एक अलग ही विषय है न मैं यह बोल रहा हूं कि सारे आया अफसर ऐसे ही होते हैं नहीं लेकिन जो होते हैं उनको एक उदाहरण बनाना चाहिए और पीएमओ को इस व्यक्ति को सस्पेंड करके और ये माफी मांग रहा है आप सोचिए तो माफी मांग रहा है ऐसे जैसे दया कर रहा हो आई एम सॉरी इफ आई हैव हर्ट समय तुमने सेंटिमेंट हर्ट किया है तुम्हारी शादी पे, तुम्हारे बच्चे की तुम्हारे भाई की शादी पे कुछ ऐसा हो जाए कि कोई आदमी आता है तुम पुजारी को उठा के थप्पर मार देता है लड़के की गर्दन पकड़ के पुश कर देता है लड़की वहां से आ रही और चिल्लाता है उसके ऊपर निकालने बोलता है भागो खाने नहीं देने बारातियों को तुम वही है ना अथॉरिटी अपना पुश करना चाह रहे हो हम डीएम हैं, हम डीएम है हम डीएम है और तुम बोल रहे हो कि आई एम सॉरी इफ आई इफ यू हैव हर्ड द सेंटिमेंट सामान्य बुद्धि विवेक नहीं है क्या तुम में नहीं वो तो तुम जिस तरह का बिहेवियर कर रहे हो ब्लडी ब्लडी दिस दैट कर रहे हो तो लगता तो नहीं है कि तुम्हारी परवरिश ठीक से हुई है या तो परवरिश में दिक्कत है या फिर ट्रेनिंग सेंटर में हो सकता है तुम्हें स्पेशली सिखाया गया हुआ कि जब क्राउड को कंट्रोल करना है वो भी जो एक इनोसेंट क्राउड है मान लेते हैं एक मिनट के लिए कि तुम्हारे ऑफिस ने वो जारी नहीं किया उन्हें परमिशन नहीं दिया था अनुमति नहीं दी ये करने की और कर्फ्यू था कोविड प्रोटोकॉल्स लागू थे तो भी क्या दस बजे के बाद मतलब कोई नया संविधान अगर लिख दिया गया हो ये जो मसूरी उस में पढ़ाते हो कि दस बजे के बाद जो है ना आई ऑफिसर पागल हो जाएगा दस बजे के बाद वो कुछ भी कर सकता है उसके दस बारह हाथ निकल जाएंगे और मतलब हाथों पे मुंह चिपक जाएंगे एक से ब्लडी निकल रहा है एक से सिविलियन निकल रहा है एक से सिंह मैं तुम्हें सिखाता हूं तुम बोल रहे हो कि इफ आई हैव हर्ड द सेंटिमेंट अंधे हो बहरे हो सेंसलेस हो क्या तुमने पूरी मैरिज पार्टी को तुमने उन्हें ह्यूमिलिएट किया है और इस ह्यूमिलिएशन के कारण जो जो उनको साइकोलॉजिकल लेवल पे क्षति पहुंची है तुम बोल रहे हो कि इफ आई हैव डैम राइट यू हैव यू हैव स्कार्ड देम फॉर लाइफ और तुम बोल रहे इफ इफ आई हैव हर्ट सर और ये आइए समझते हैं क्या अपने आप को ये लोग और जो अपने आप को ये हायर पोडेस्टल पे देखते हैं इन्हें क्या लगता है कि ये लोग बस इस तरह की नौटंकी और इलीगल काम करके ये निकल जाएंगे और ये बस एट द एंड ऑफ द डे दे विल से आई ऑपोलॉजाइज और हो गया काम क्या क्या इसने जो किया वो इलीगल नहीं है और क्या उसी लोकल पुलिस स्टेशन को जिसको ये पुलिसिंग सिखा रहा है वहां पे इसके ऊपर एफ नहीं होनी चाहिए तुम्हें समाज में एक आदर्श उदाहरण स्थापित करना होता है तुम्हारा एक मुख्य काम है क्राउड कंट्रोल करना एंड यू हैव फेल्ड मिजरेबली फेल्ड एट इट इसलिए एग्जाम्पलरी पनिशमेंट के साथ और ये एक एक संदेश जाना चाहिए पूरी आई लॉबी को ये जो एसोसिएशंस बनती हैं जो मतलब भ्रष्टों को किसी के भी सपोर्ट में ये लोग जाके ट्विटर हैंडल देखिए इनका ये किस किस लोगों के सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं इनको लगता है कि नहीं हम अनटचबल हैं हमें कोई छू ही नहीं सकता अनटचेबल इन पॉजिटिव सेंस कि हम तो मतलब तुम सब से इतने कि तुम्हारे हाथ वहां तक नहीं पहुंचेंगे क्यों क्योंकि इनको घमंड है कि यही देश चलाते हैं देश को तुम लोगों ने जिस तरह से चलाया है ना देश बचा हुआ कैसे है वही अपने आप में वो होता है ना कि वो ये देश चल रहा है ऐसे ब्यूरोक्रेट्स के रहते हुए ये अपने आप में ये ये एक मतलब भगवान के होने का ये प्रत्यक्ष उदाहरण है सबूत है ये साक्ष्य है दुनिया में भगवान है क्योंकि भारत ऐसे आई ऑफिसर्स इस तरह के ब्यूरोक्रेट्स के रहते हुए भी चल रहा है लोग सर्वाइव कर रहे हैं आई एम द ब्लडी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ दिस एरिया मैं तुम्हें पुलिसिंग सिखाता हूं इनके एसोसिएशन के लोग इफ्तार पार्टियों में जाते हैं वहां सब ठीक है मैं तो कह रहा है ना तुम कोविड प्रोटोकॉल का पालन करवा रहे हो ना और मैं देखता हूँ अभी तो लगा हुआ है ना अभी इतना तीन तीन लाख केस आ रहे हैं एक दिन में मैं उस वीडियो के इंतजार में हूँ मैं उस खबर के इंतजार में हूँ कि देश का कौन सा डीएम शुक्रवार को होती हुई नमाजों पे जाके जो प्रतिबंध लगवा देता है हटवा देता है मैं उस इंतजार में हूँ भले लोकल थाना का एस वो ये टैकल कर ले बंद करवा ले डीएम की औकात नहीं है किसी भी डीएम की यो कर ले मुझे दिखाइएगा अगर आपके पास ऐसे वीडियोज हो क्या आप यह कल्पना कर सकते हैं कि एक निकाह चल रहा हो और ये शैलेश जी हैं शैलेश कुमार यादव डॉक्टर भी इनके नाम के आगे लगा हुआ है ये वहां जाएं और मौलवी को एक थप्पड़ मार दें, दूल्हे की गर्दन पकड़ के उसको ढकेल दें। इमेजिन कीजिए ये। वो ये नहीं कर सकते हैं वो ये नहीं करते हैं उसका एक कारण है क्योंकि ये जानते हैं कि अगर वो ऐसा करते हैं इस तरह की हरकत वो करेंगे जो कि लीगली थपड़ाने की बात नहीं वो तो मैं एक इक्विवेलेंट क्रिएट कर रहा हूँ तुम एक निकाह को जाके डिसरप्ट कर दो कोविड प्रोटोकॉल के नाम पे, वो तो मान लीजिए रात के तीन बजे हो रहा हो या जहां पे मना है एक एकदम कर्फ्यू लगा हुआ वहां सौ लोगों की भीड़ है तुम घुस जाओ वहां पे और जाके बोल दो खाली ये बोल दो कि ये जो है गाइडलाइंस के अगेंस्ट है और ये खाली कीजिए जगह और फिर तुम वापस आ जाओ वही शर्ट पैंट पहने हुए ये संभव नहीं है इस देश में अगर संभव होता तो हमने जो वो माणिक्या मैरिज हाउस था उसमें जो नौटंकी हुई वो हम कहीं और भी देखते वो हमें किसी मजलिस से या किसी फलाने जगह से वहाँ से भी निकल के आता उस तरह के वीडियोज़ हमारे पास आते हैं वैसे वीडियोज़ इसलिए नहीं आते हैं कि वैसा होता नहीं वो वो मतलब आप आप कल्पना भी वैसा नहीं कर सकते कि कोई निकाह को जाके कर कर दे मौलवी को थप्पड़ मारना तो आप मतलब बहुत दूर की बात है ईद आ रहा है ना देखेंगे कौन सा प्रोटोकॉल कहाँ पे लगा देते हैं आप लोग तबलीगी पर कहा जा रहा था तब तब जो है हल्ला हो रहा था कुछ लोग ये भी कर रहे हैं मैं अपने स्कूल के फ्रेंड्स के ग्रुप में ये डिस्कशन ऐसे ही चल रहा था कि हाउ कैन सम ऑफिसर डू दैट मोस्ट ऑफ़ द पीपल अग्री कर रहे थे नहीं ये तुम ठीक है क्राउड कंट्रोल भी करना बट दिस इज़ अनएक्सेप्टेबल एंड ही शुड बी एटलीस्ट सस्पेंडेड एक दोस्त ने कहा कि नहीं अगर वहाँ पे सबको कोविड होता तो सबको कोविड होता सबको कैंसर हो जाता सबको एड्स हो जाता फिर भी नो बडी गिव्स यू द राइट टू स्लैप द पुजारी वो प्रोटोकॉल तोड़ रहे हैं तुम्हारा तो काम एनफोर्स करना है ना तो तुम सबको बोलो ना कि गेट पे गाड़ी लगाओ और बोलो कि आप लोग निकलिए और आप लोग थाने जाइए आप पे केस चलेगा और वो इक्वलेंट क्रिएट कर रहा है इतने तबलीगी के मामले में तुम ऐसा कर रहे थे तो भैया तबलीगी एक तो मरकज खाली नहीं कर रहा था उसके लिए अजीत डोभाल को जाना पड़ा था यही अंतर है पुलिस डी एम को इन्हें एन एस ए को वहाँ पर एक्शन में आना पड़ा तब जाके और उसके बाद क्या हुआ उसके बाद भी आपने देखा ना कि वो रिटैलिएट कर रहे थे तो तुम कहाँ किससे कंपेरिजन कर रहे हो अट्ठाईस सौ लोग उस मरकज में थे और वो एक मूविंग हॉटस्पॉट था कोरोना का और यहाँ पे 20-30 लोग जिनके पास मैरिज हॉल में होने का परमिशन था उसी डीएम ने परमिशन ग्रांट की थी वो रिटेलिएट नहीं कर रहे थे वो शांति से सुन रहे थे और जो बोला जा रहा था कंप्लाई कर रहे थे हाँ ये बात अलग है कि डीएम साहब को लग रहा हो कि मेरी शान में गुस्ताखी कैसे हो रही ये बोल कैसे दे रहा है डीएम का जलवा वैसा ही था सामने में जो आ रहा है एक्सक्यूज मी सर और भैया ये वो दो लाइन भी बोल रहा है अरेस्ट हिम अरेस्ट हिम इज डिसरप्टिंग द पब्लिक सर्वेंट वाइल ऑन ड्यूटी इस तरह के लाइंस जो है मतलब फेंके जा रहा है और वो जो है अरेस्ट हिम अरेस्ट हिम अरेस्ट दैट अरेस्ट दिस ये सब हो रहा है तो ये दोनों जो है एकदम ही फॉल्स uh, कंपेरिजन्स है इसमें एक पॉलिटिकल एंगल भी बताया जा रहा है और वो चूंकि मतलब ऑब्वियस सी बात है कि ऐसे एंगल जो होते हैं वो आप स्टैब्लिश नहीं कर सकते हैं कन्फर्म नहीं कर सकते हैं बोला ये भी जा रहा है कि लोकल बॉडी इलेक्शंस में ये जो मानिक्या मैरिज गेस्ट हाउस था उसका ऑनर जो है उस पार्टी का चीफ है जिसने एक दूसरी पार्टी को हराया है और उसके शाह पे ये सब हो रहा था जो भी है फिर भी अगर तुम डीएम हो और इस तरह का तुम जलवा जो है कैमरा उमरा लेके मूव कर रहे हो स्टिल तुम किसको सर्व कर रहे हो पब्लिक को इंडियन गवर्नमेंट को या फिर एक पॉलिटिकल पार्टी को इस कारण से भी अगर इसका कोई पॉलिटिकल एंगल है भी तो भी दैट गाय शुड बी सस्पेंडेड क्योंकि तुम फिर भी अगर ऐसा भी है तो भी तुम जो है एक, एक गैर कानूनी काम कर रहे हो तुम्हें तो ये, ये करना ही नहीं चाहिए था यू शुड हैव डाइड इट और क्या मतलब तुम्हें डिस्टरप्ट करने के लिए बोला होगा या बंद करवाने के लिए बोला गया हो अगर मैं मतलब एक एंगल ये मैं ले रहा हूँ तो तुम क्या वहाँ पे लाठी बरसाओगे मारोगे लोगों को गाली गलौज करोगे या ये भी ये भी आया था क्या उसमें स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है एस ओ पी तुम्हें दिया गया उसमें ये भी है क्या ऐसा तो नहीं है थोड़ी सी बात मैं एक और करना चाहूँगा जो आई एस ऑफिसर्स में कुछ में होती हैं एक इनहेरेंट हेटरेड होता है इनके भीतर अंतर्निहित घृणा होती है इवन फॉर द आईपीएस ऑफिसर्स मतलब उनसे जो कुछ रैंक नीचे हैं और हो सकता है कि रैंक उनसे अच्छा हो फिर भी उन्होंने चुना हो आईपीएस तो ये भीतर से जो एक इन्फ्लेटेड सेंस ऑफ ईगो जो होता है ना ये ये कि नहीं मैं मैं कुछ हूं मैं तो आई हूँ ये अपनी ही तरह के लोगों को जो उसी उन्हीं परीक्षाओं के माध्यम से चुन चुन के वहाँ पे गए हैं उसको भी वो घृणा से देखते हैं उनको एक लो मतलब अपने से हीन समझते हैं और यही कारण है कि वो रिजल्ट होता है कि मैं तुम्हें पुलिसिंग सिखाता हूँ ये पुलिसिंग सिखाएंगे पुलिस को आप सोचिए कि आई ऑफिसर्स या आई या ये लोग जो होते हैं उनको अगर आप इवेलुएट करना चाहें बाकी देशों का जो सिस्टम है उसके हिसाब से यहां रट, रट के जो सबसे बढ़िया रट सकता है वो एग्जाम क्लियर करता है उसकी विश्लेषण की क्षमता उसकी सामाजिकता लोगों को समझने के लिए जो एम्पैथी होती है करुणा आपको लगा कि इस अवसर में करुणा है यह आम व्यक्तियों से जिस तरह से बिहेव कर रहा था या फिर वो लोग जो महत्वपूर्ण पदों पर कुर्सियों पर बैठे होते हैं और वो घूस मांगते हैं या आपका काम नहीं करते हैं फाइल्स मूव नहीं करती मैं ये नहीं कर रहा हूं कि सब लोग ऐसा कर रहे हैं कुछ लोग तो ऐसा करते हैं ना हमने तो कहानियां सुनी है कुल मिला के एक फ्लॉड एजुकेशन सिस्टम से पढ़ा हुआ व्यक्ति मैं भी उसी एजुकेशन सिस्टम का और वो लगातार रटते 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 एक परीक्षा क्लियर करता है हम लोगों ने भी कई परीक्षाएं क्लियर की हैं लेकिन मानवता का संवेदना का अभाव नहीं है हम में और उसका एक कारण है क्योंकि हम उन पावरफुल पोजीशंस में नहीं हैं कि हमारे कहने से एक योजना का क्रियान्वयन होता है हम बोल देंगे किसी के घर में पानी की जो है पानी का नल पहुंचेगा हम बोल देंगे तो किसी गांव में तालाब खुदेगा वो पावर हम में नहीं है तो जो काम जो फंड तुम्हारा नहीं है जो फंड पब्लिक का है तुम एक माध्यम मात्र हो और तुम्हें लगता है कि नहीं मैंने जो चुटकी बजाई और वहां तालाब खुद गया और ये मेरे बाप के पैसे से हुआ है ये एरोगेंस तो तभी आएगा ना तुम्हारे बाप के पैसे से कोई काम हो रहा हो तब ये अरोगेंस आता है तो समझ में आता है यार उसके बाप का पैसा है वो तो ज़ोर से बोलेगा ही जब हम अपना घर बनवाते हैं घर में मान लीजिए कि कोई काश्तकार है उनसे बोलते हैं नहीं नहीं तुमने ये कैसे बना दिया आप उस पर चिल्ला भी लेते हैं क्योंकि ये आपके पैसे हैं आपकी अथॉरिटी है और आपने एक कॉन्ट्रैक्ट दिया है उसे वो ढंग से काम नहीं कर रहा है तो आप उस पर अलग अलग तरीके से लेकिन तुमको जो काम मिला है तुम तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव हो विच इट सेल्फ इज फंडेड बाई पीपल लाइक मी ऑब्वियसली यू आर ऑल्सो पेइंग इनकम टैक्स बट कितने आई एस ऑफिसर्स हैं क्या आई एस ऑफिसर की संख्या 130 करोड़ देशवासियों में जो नमक पानी की बोतल बिजली का सरचार्ज इनकम टैक्स जो देता है सड़क पे चलता है बाइक खरीदता है तब टैक्स जो पे करता है टोल का टैक्स भरता है तमाम तरह के टैक्स जो देता है तो प्रतिशत ले देख लो ना कि तुम आई ऑफिसर्स कितना टैक्स तुम देते हो और तुम्हें लगता है ये तुम्हारे बाप का फंड है जो तुम जो है किसी के गांव में पोखर खुदवा दे रहे हो तो ये एरोगेंस उसी से आता है कि भले ही तुम माध्यम हो लेकिन तुम्हारे भीतर यह घमंड है जो सर चढ़कर बोल रहा है कि मैं ये करवा रहा हूं मैं ये करवा रहा हूं मैं ये ना करवाऊं मैं ये फाइल पास ना करूं तो यह काम हो ही नहीं हमारा सिस्टम उसी तरह से रिग्ड है सूट्स गाइज लाइक शैलेश यादव वो उसी तरह से बना हुआ है कि ऐसे लोग थ्राइव करते हैं आप देखिए ना कि कितने आर टी आई आए या बिहार में ऐसा हुआ था कि जो भी भ्रष्ट लोग थे जिनके पास आय से अधिक पैसा था और मैं कहूँगा कि आप लोग अपने अपने इलाके में आर टी आई लगाइए और जितने भी डी एम हैं जितने भी डी एम की पत्नियाँ हैं उनके भाई हैं माँ हैं बाप हैं सबका आप पता कीजिए कि किन के नाम पर कितनी ज़मीन है कितना घर है कहाँ कहाँ पर है तो आपको पता चल जाएगा कि जितनी सैलरी होती है उसका कितना गुना इनके पास संपत्ति है और इन्हीं कारणों से वो है ना बिहार में तो ये एक लॉ था जो भी भ्रष्ट अधिकारी थे तो उनका दुकान मकान सब नीलाम करके उसमें स्कूल खोला जा रहा था ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है सबसे ज्यादा नेताजी को किया जाता है क्योंकि ठीक है उनका पांच ही साल का होता है लेकिन जो चालीस चालीस साल सर्विस देते हैं और उन्होंने जो डैमेज किया इस देश का उसका क्या जो न्याय नहीं मिलने देते हैं लोगों को उनका क्या जो डिनाई करते हैं सर्विसेज जो हमारा हक है किसी गरीब का हक है वो मारते हैं उनका क्या और दोबारा मैं ये कह रहा हूं कि नॉट ऑल ऑफिसर्स आर लाइक दैट लेकिन एसोसिएशन जब ऐसे लोगों के साथ उठ के खड़ा हो जाता है तब हमें लगता है कि नहीं दे आर दे आर ट्राइंग टू डिफेंड वन ऑफ देयर ओन That too in unjustifiable ways. कैसे जस्टिफाई करोगे कि, कि किसी को थप्पड़ मार रहा है कोई शादी के दिन पुजारी को मार रहा है मौलवी को मार के दिखाओ ना हिम्मत है जाओ एक निकाह को डिस्टरप्ट करो मौलवी को दो चार चाटा मार दो जो दूल्हा है वहाँ पे उसका सेहरा जो है सेहरा सुहाना लगता है दुल्हन का दिल दीवाना लगता है जाके मार दो उनको दो दो थप्पड़ और देखें तुम कैसे जिंदा बच के आ जाते हो ये नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम उसके रिप्रोकॉशंस जानते हो पांच करोड़ दस करोड़ दहेज लेके इनका अधिकारियों वाला सफर जो है शुरू होता है जिस एकेडमी में ये लोग जाते हैं ट्रेनिंग लेने हम और आप सब जानते हैं ना वहां पे क्या होता है मतलब अपार्ट फ्रॉम द ट्रेनिंग लिस्ट निकलती नहीं है कि फला का बेटा जो आई हो गया है और लिस्ट आप तक बाद में पब्लिक होती है आधे घंटे पहले लोगों को पता चल जाता है और वहाँ से जाके ये हाँ आपके बेटे को पाँच करोड़ दे देंगे हमसे शादी कर लीजिए जॉब का पहला दिन शुरू नहीं हुआ तुम्हारा ट्रेनिंग शुरू नहीं होती है और वहीं से तुम इलीगल काम सब नहीं करते हैं सब नहीं करते हैं लेकिन करते तो हैं पाँच करोड़ में दस करोड़ में बिकते हैं उसके बाद ये फ्रस्ट्रेशन कि मैंने चार साल जो है बर्बाद किए तैयारी में अब मैं दुनिया को दिखा दूंगा वो कहाँ निकलेगा वो ऐसे ही निकलता है आई एम द ब्लडी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लिख लिख के अपना जो है मतलब एग्ज़ाम में बैठ बैठ के डेट ऑफ बर्थ कम करवा रहे हैं कि चार अटैम्प्ट और मिल जाए आंदोलन करवा रहे हैं किसी तरह दो अटैम्प्ट और जुड़ जाए सर के बाल उड़ जाते हैं और उसके बाद जब हो जाता है तब ये बदला लेना शुरू करता है ऐसे लोग कि तुम लोगों ने मुझ पे बड़े सवाल उठाए थे वो कुंठा जो है वही इस दहेज से लेके फिर आने वाले भ्रष्टाचार कुशासन और ऐंठ एरोगेंस के रूप में परिलक्षित होती है वही बन के निकलता अंत में ये एक मवाद ये कोढ़ जो है भीतर में इनके पलता रहता है और वो फटता है एक समय और एक बात करना चाहूंगा कि हिंदुओं का है कौन इस इस भारतवर्ष में तथाकथित हिंदुवादी पार्टी है वहां सत्ता में उन्होंने क्या किया उन्होंने रिपोर्ट मंगवाई है विप्लव देव जी ने सीएम ने प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस से कोई एक्शन अभी तक नहीं है नॉर्मली होता है ना कि तबरेज पे भी जो है स्टेटमेंट आ जाता है गौरक्षकों पे स्टेटमेंट आ जाता है गौ तस्करों पे स्टेटमेंट नहीं आता है जिन्होंने कांस्टेबल कांस्टेबल्स के ऊपर जो है गाड़ियां चढ़ा दी हिंदुओं के लिए कौन है भाई कम्युनिस्ट के शासन में हिंदू की शादी डिस्टरप्ट हो रही है उनको मारा जा रहा है ममता बनर्जी के पार्टी में हो रहा है कांग्रेस की पार्टी में हो रहा है हर जगह हिंदू मारा जा रहा है फिर बीजेपी को लोग सत्ता क्यों दे रहे हैं बीजेपी इस पर क्या कर रही है कितने नेताओं ने इस पर ट्वीट करके सस्पेंशन की मांग की है क्या वो ये वेट कर रहे हैं कि एक मुहिम चले पब्लिक में इसके खिलाफ एंगर हो और उसके बाद जो है इस तरह के एक्शन लिए जाएंगे अंततः इसका एक उदाहरण बनाया जाना चाहिए ये अफसर अगर आठ मिनट तक मेहम फैलाता रहा ना इसको आठ मिनट तक आई एम सॉरी आई एम सॉरी आई एम सॉरी बोलते रहना चाहिए इसकी जॉब हटाइए इसको सस्पेंड कीजिए और इससे कम्युनिटी सर्विस करवाया जाए इन्हीं शादियों में से प्लेट व्लेट धुलवाइए ताकि इसको पता चले कि ह्यूमिलिएशन होता क्या है जैसों को तैसा नहीं पब्लिक सर्विस करवाओ इससे झाड़ू लगवाओ उन्हीं मैरिज हॉल्स में जहाँ पे आने वाले समय में शादियाँ होंगी बर्तन धुलवाओ प्लेट साफ करवाओ टेबल साफ करवाओ इससे उस वर और वधु का उन्हें जो मानसिक रूप से चोट पहुँची है उन्होंने जो अपने डिग्निटी ये जो हमला झेला है उन्होंने जो एक तरह से कॉम्प्रोमाइज किया है आप क्या कर लेते वहाँ आप थोड़ा सा और अड़ते या जवाब देते आपको विचार थप्पड़ मार देता ये आदमी घमंड यही तो होता है आई एस एम द ब्लडी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मैं तुम्हें सिखाता हूं पुलिसिंग कैसे होती है ऐसे लोगों को इसी तरह से और एक बार नहीं ये लगातार सरकारों को तय करना होगा कि आप किस तरह का संदेश समाज में देना चाहते हैं कि अगर पब्लिक सर्वेंट या तो कह दो ना कि डीएम जो बन गया वो पब्लिक किंग है भाई वो पब्लिक सर्वेंट नहीं है प्रधान सेवक जो अपने आप को प्रधानमंत्री जी कहते हैं तो उसी तरह आपने अपने लिए नाम बदल लिया ना भाई तो इनके लिए बदल दो ना नाम पब्लिक सर्वेंट क्यों कह रहे हैं उनको सर्वेंट वाला तो कोई एटीट्यूड नहीं है इनका वो कहने के लिए कि नौकरी कर रहे हैं फल लेकिन है तो नहीं ना एटीट्यूड तो पब्लिक किंग कह दो ना जिलाधीश है महाराज इनके टाइटल में महाराज लगना चाहे महाराज डॉक्टर शैलेश कुमार यादव समाहर्ता पश्चिमी त्रिपुरा ये लगा दो तब थोड़ा सा लगेगा कि नहीं नहीं यार राजा आदमी है इसका तो इतना अलाउड है वो तो बोलेगा कि इसका तो गला काट दो पुजारी का राजा वो तो आदेश दे या खुश हो जाए तो माला उला जाए लो लो कनीज इस तरह से इसको पूरी तरह से एक एग्जाम्पलरी पनिशमेंट मिलनी चाहिए आप लोग इस पे मुहिम बनाइए सरकार से पूछिए कि क्या ये लोग हमारे जीवन पे हमें इस तरह से गवर्न किया जाएगा और चूंकि हम हिंदू हैं इसलिए हमें इस तरह से ह्यूमिलिएट किया जाएगा यही मुख्य सवाल है इसका पावर के मद में चूर लोग क्या हिंदुओं के विवाहों पे इस तरह से कुठाराघात करेंगे पुजारियों को क्या थप्पर मारा जाएगा लड़के गर्दन के गर्दन पकड़ के ढकेल दी जाएगी उसके परिजनों को धमकियाँ दी जाएगी कि इसको इस धारा में अंदर करो गाली गलौज ब्लडी एहसूस ये सब कहा जाएगा नमस्कार